हेलो स्कॉर्पियोज, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए नवंबर 2020 की लव टैरो रीडिंग। सबसे पहले, अगर आप इस चैनल पे नए हैं या आप वीडियोस देखते हैं, आपने अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, वीडियोस आपको पसंद आते हैं, आपके साथ रेजोनेट करते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए जी स्कॉर्पियोज, देखते हैं कि नवंबर मंथ आपकी लव लाइफ में क्या लाने वाला है। तो मेरे पास यहाँ पे तीन सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम देखेंगे कि आपकी क्या एनर्जीज़ हैं, सेकंड सेट में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं, और थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली नवंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपके पार्टनर की एनर्जीज से शुरू करते हैं स्कॉर्पियोज, और उनके लिए अगर देखें तो यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। और कहीं नाइट्स एक स्टेबल एनर्जीज की बात नहीं करते हैं, वो आते हैं और जाते हैं, और नाइट ऑफ वॉन्ड्स तो बिल्कुल भी एक स्टेबल एनर्जीज की बात नहीं करता है। तो कहीं यू नो नवंबर स्टार्टिंग में या नवंबर मंथ में ऐसा रह सकता है जहाँ पे कभी तो वो बहुत एंथुजियास्टिक फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, बहुत एक्शन ले रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं, और कभी एकदम से गायब हो रहे हैं। और यहाँ पे कहीं टेम्परेंस रिवर्स का कार्ड भी वही चीज़ बोलता है कि एक बैलेंस बहुत ज्यादा उनको अपनी एनर्जीज में लाने की जरूरत है, जो कि वो नहीं ला पा रहे हैं। कोई चीज बहुत एक्सेसिव कर रहे हैं, वो कोई भी चीज हो सकती है, सबके पार्टनर्स के लिए ये डिफर कर सकता है। अगेन यहां पे टर्निंग इन एंड ब्रेक थ्रू के भी कार्ड्स हैं, और ये दोनों भी एकदम से कंट्ररी कार्ड्स हैं। टर्निंग इन कहीं एक बैक स्टेप लेने की बात करता है, विड्रॉ करने की बात करता है, ब्रेक थ्रू कहीं एक्शन लेने की बात करता है, इनिशिएटिव लेने की बात करता है। तो ये दोनों कार्ड्स भी कहीं वही चीज़ बोल रहे हैं, कभी तो एक्टिव हो गए इस रिलेशनशिप में और कभी पैसिव हो गए, कभी एक्शन लिया, इनिशिएटिव लिया, कभी गायब हो गए। तो कहीं कुछ ऐसी सी एनर्जीज उनके लिए दिख रही हैं। और क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स और टेम्परेंस के भी कार्ड्स हैं, तो ये दोनों ही कार्ड्स कहते हैं कि हो सकता है उनके ट्रैवल प्लान्स डिले हो रहे हैं या ट्रैवल रिलेटेड कोई प्लानिंग नवंबर मंथ में चल रही है। नवंबर एंड के लिए या नवंबर मंथ के लिए हम कह सकते हैं यहाँ पे डेथ और क्रिएटर के भी कार्ड्स हैं। और डेथ कार्ड मुझे एक दो चीज़ें बोलता है, बहुत सारे स्कॉर्पियोज के पार्टनर हो सकता है नवंबर एंड में कहें कि जो भी उनका एटीट्यूड है, जो भी उनका बिहेवियर है, वो उसको एंड करके एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। कुछ चीज़ों को, अगेन मैं कहूँगी, एंड करके नए तरीके से चीज़ों को शुरू करना चाह रहे हैं कुछ स्कॉर्पियोज में। सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ स्कॉर्पियोज के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर रिलेशनशिप को ही एंड करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा पकड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा यू नो पुरानी बातों से अटैच हो रहे हैं और पुरानी किसी बात को नहीं छोड़ पा रहे हैं। यहाँ पे क्रिएटर का कार्ड मुझे कह रहा है डीपर लेवल पे नई तरीके से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं, कुछ अच्छा इस रिलेशनशिप के लिए क्रिएट करना चाहते हैं। और अब देखते हैं कि आपकी क्या एनर्जीज हैं। तो जाहिर सी बात है स्कॉर्पियोज, जो भी आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं, जहाँ पे एक स्टेबिलिटी नहीं है, कभी इन है कभी आउट है, उसकी वजह से काफ़ी एक प्रेशर, काफ़ी एक स्ट्रेस आप महसूस कर सकते हैं। यहाँ पे टेन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड है, और हो सकता है स्कॉर्पियोज की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या बहुत सारी चीज़ें आपने अपने ऊपर ली हुई हैं, आप ना नहीं कह पाते हैं अपने पार्टनर को, आप बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स ले लेते हैं, आप बहुत ज़्यादा एक्शन ले लेते हैं, और इसकी वजह से अगेन कहीं परेशान दिख रहे हैं क्योंकि आपके पार्टनर की तरफ से आपको वैसा रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा है। यहाँ पे नाइन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का भी कार्ड मुझे कहता है कि बहुत ज़्यादा यू नो नेगेटिव थॉट्स चल सकते हैं, किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं। और यहाँ पे नाइन ऑफ कप्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि बहुत एक लव, प्यार, मोहब्बत भी अपने पार्टनर के लिए फील कर रहे हैं, और कुछ स्कॉर्पियोज हो सकता है कि बहुत एक प्यार मोहब्बत एक्सप्रेस कर रहे हैं और अगेन शायद वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। इसलिए यहाँ पे नाइन ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड मुझे कहता है कि आप परेशान हो रहे हैं। बहुत सारे स्कॉर्पियोज के लिए मुझे दिख रहा है कि शायद यू नो अच्छे से रात को सो भी नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे पेशेंस का कार्ड मुझे कह रहा है कि आप डीपर लेवल पे समझते हैं कि थोड़ा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, इम्पल्सिव नहीं होना है आपको। और हो सकता है बहुत सारे स्कॉर्पियोज शायद बहुत सटल लेवल पे अपना प्यार एक्सप्रेस कर रहे हों, अपनी मोहब्बत एक्सप्रेस कर रहे हों। यहाँ पे कॉन्शियसनेस एंड द मास्टर के भी कार्ड्स हैं,
और ये दोनों ही कार्ड्स कहीं स्पिरिचुअल और रिलीजियस एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, तो बहुत सारे स्कॉर्पियोज़ के लिए मुझे दिख रहा है कि शायद अपने मन को शांत करने के लिए, अपने आप को और बेटर फील कराने के लिए आप किसी स्पिरिचुअल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, मंत्रा चांटिंग कर रहे हैं, या जिस भी गॉड को आप मानते हैं उनके ऊपर फेथ करके एक आगे बढ़ रहे हैं, या मैं कहूँगी कि अपने आप को बेटर फील करा रहे हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं। और अब देखते हैं स्कॉर्पियोज़ की अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है। तो अक्टूबर मंथ के लिए यहाँ पे चांस एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड्स हैं, और चांस का कार्ड मुझे कहता है, हो सकता है बहुत सारे स्कॉर्पियोज़ को ऐसा लगता हो कि भाई बहुत सारे चांसेस दिए हैं उन्होंने अपने पार्टनर को कि भाई वो रिलेशनशिप में जिस तरीके से उनको रहना चाहिए उस तरीके से रहें, वो अटेंशन जो आप डिज़र्व करते हैं, वो लव जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको दें, बट कभी वो ठीक रहते हैं और कभी फिर वो वैसे ही हो जाते हैं। तो बहुत सारे स्कॉर्पियोज़ मुझे दिख रहा है कि लॉजिकली चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि भाई क्या करना चाहिए, और चांस देना चाहिए नहीं देना चाहिए। डीपर लेवल पे यहाँ पे इंटेंसिटी का कार्ड मुझे कह रहा है कि इतनी इंटेंस आपकी इमोशंस, इतनी इंटेंस आपकी फीलिंग्स उनके लिए रह सकती हैं कि आप कहीं डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे द हाई प्रिस्टेस एंड द फूल के भी कार्ड्स हैं, और हाई प्रिस्टेस का कार्ड अगेन मुझे कहता है कि बहुत ही एक मिस्टीरियस सी एनर्जीज इस रिलेशनशिप में, इस लव लाइफ में नवंबर मंथ में रह सकती हैं, जहाँ पे चीज़ें बिल्कुल भी क्लियर नहीं हैं, बहुत ज़्यादा एक अनश्योर एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा जैसे कि ना समझ ही नहीं आ रहा कि अगले ही पल क्या हो जाएगा, इस तरीके की एनर्जीज़ दिख रही हैं। और आप दोनों ही किसी तरीके की एक सीक्रेसी भी मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस बहुत अच्छे से एक दूसरे को एक्सप्रेस करते हुए नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे द फूल का कार्ड मुझे कह रहा है कि डीपर लेवल पे शायद आप फेथ पे चीज़ों को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, कहीं गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज में रहना चाह रहे हैं, या मैं कहूँगी कि रहने की कोशिश कर रहे हैं। नवंबर एंड के लिए यहाँ पे द हर्मिट एंड कॉम्प्रोमाइज के कार्ड्स हैं। कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड बहुत ही क्लियरली बोलता है कि काफ़ी एडजस्टमेंट्स आप कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस के साथ। और हर्मिट का कार्ड मुझे कहता है कि हो सकता है कुछ लोग किसी तरीके की गाइडेंस ले रहे हैं, किसी से काउंसलिंग ले रहे हैं, या सेल्फ टॉक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, किसी तरीके का अकेलापन या तो आप महसूस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, या अकेले रहना चाहते हैं और ज़्यादा चीज़ों को समझना चाहते हैं। जो भी है आपकी तरफ से एक बहुत ज़्यादा वाइज इनिशिएटिव मुझे दिख रहा है, आप बहुत ज़्यादा विजडम से काम लेते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे स्पिरिट मैसेज का कार्ड मुझे कहता है आई विल ऑलवेज लव यू। तो आप दोनों को, या स्कॉर्पियोज या आपकी रीडिंग है, तो आपको ऐसी फीलिंग हो सकती है कि चाहे जो भी हो, चाहे जैसी भी एनर्जीज रहें, बट इस शख्स को या इस इंसान को मैं प्यार करना नहीं छोड़ सकती या नहीं छोड़ सकता। जैसी भी आपके पार्टनर की एनर्जीज हो, फिर भी आपके मन में एक प्यार मोहब्बत उनके लिए रहती है, वो चीज़ ख़त्म नहीं होती है। अगर मैं ओवरऑल देखूं स्कॉर्पियोज़ की नवंबर मंथ कैसा रहेगा, तो बहुत ग्रेट जाता हुआ नहीं दिख रहा है। किसी तरीके का अकेलापन रह सकता है, किसी तरीके की एक उदासी रह सकती है, चीज़ें बिल्कुल भी क्लियर नहीं दिख रही हैं, काफ़ी ज़्यादा एक सीक्रेसी मुझे दिख रही है, सीक्रेट एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। आप चीज़ों को लॉजिकली एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन आपकी इमोशंस, आपका प्यार इतना ज़्यादा इंटेंस है आपके पार्टनर के लिए कि आप नहीं ओवरकम कर पाते हैं, नहीं लॉजिकली सोच पाते हैं। और अगेन मैं कहूँगी कि एक अकेलापन दिख रहा है, बहुत ग्रेट कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ये थी स्कॉर्पियोज़ आप लोगों के लिए नवंबर 2020 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, आपको गाइडेंस मिली है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।